दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। तो उसके लिए मैंने, देखिए, ये लेस ली है और कुछ मैंने ये दो पट्टी बनाई है। ये मैंने हाफ इंच कपड़ा लेके उसको इस तरह से फोल्ड करके दो पट्टी तैयार कर लिया और ये मैंने लेस है और ये ब्लाउज मैंने कट कर लिया। ये 34 साइज का ब्लाउज है और इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है, चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। तो देखिए, ये लाइनिंग है और ये हमारा ब्लाउज है। तो ब्लाउज को हम साइड में रख देते हैं और जो हमारा ये अस्तर है इस पे हम अपना नेक कट कर लेते हैं। तो देखिए, शोल्डर से 2.5 इंच लेंगे और आप जितना डीप पहनना चाहते हैं आप उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। जो मैं ले रही हूँ, ये मैं 11 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है और मैं अभी इसमें शेप देती हूँ। तो शोल्डर से सेम रहेगा, नीचे से हम थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे। तो देखिए, ये राउंड शेप ही है पर ये बस थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड है और सेम ड्राफ्ट पे हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने कट कर लिया है। जो ये ड्राफ्ट बचा है, इस ड्राफ्ट को रख के मैं कैनवास कट कर लेती हूँ। डायरेक्ट कैनवास लगा के हम पलट देंगे, नेक पट्टी कट नहीं करेंगे। तो देखिए, जो कैनवास है मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है डबल फोल्ड में और इसकी जो चौड़ाई लूंगी 1 इंच लूंगी। अभी आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए, ब्लाउज को हम सीधा रख लेंगे। इसके बाद जो ये ड्राफ्ट है हमारा लाइनिंग का, इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लिया और इसके बाद हमारा जो कैनवास का पीस है इसको भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अभी हम एक तरफ से यहाँ से लेके पूरा राउंड में इसको स्टिच कर लेंगे और जो नेक है इसको कट कर देंगे। फिर इसको पलट के इसकी फिनिशिंग दे देंगे और बाद में नॉर्मल जैसे प्लेट डालते हैं प्लेट डालेंगे और फिर नीचे कमर में फिनिशिंग दे के और फिर हम इसमें ये डिजाइन देंगे लेस से और इन पट्टी से। तो देखिए, मैंने जैसे सिलने का तरीका आपको बताया था, नीचे मैंने सीधा ब्लाउज रखा है, उसके ऊपर ये अस्तर रखा है, उसके ऊपर एक कैनवास रखा है और मैंने इसमें डोरी भी लगाई है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंच लिया है, 3 इंच पे ये डोरी अटैच कर दी है। तो मैंने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर दिया है और अभी नेक को कट कर देते हैं। तो देखिए, ये मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे बीच बीच में भी कट दे देते हैं जिससे हमारी फिनिशिंग बराबर से आ सके। अभी हम इसको पलट के स्टिचिंग डाल देते हैं किनारे पर। तो देखिए, मैंने इसकी फिनिशिंग दे दी है और मैंने इसमें जैसे प्लेट की मार्किंग की थी सेम मार्किंग पे प्लेट डाल दी है और नीचे कमर में भी इसकी फिनिशिंग दे दी। यहाँ पे मैं तुरपाई कर दूंगी तो इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से आएगा। अभी जो ये पट्टी हमने कट की है इनका साइज आपको बता देती हूँ। देखिए, ये 4 इंच के आसपास है और ये 4 इंच थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको 4 इंच का रख लेते हैं और जो थोड़ा सा ज़्यादा पीस है उसको हम कट कर देते हैं। इसी तरह ये चारों का एक ही साइज रख लेते हैं। ये पीस मैंने बराबर कर लिए हैं और अभी हम यहाँ पे ब्लाउज में मार्किंग करते हैं, इसको डबल फोल्ड कर देते हैं। सेंटर में हम एक लाइन खींच देते हैं जिससे क्या है ये सेंटर पार्ट रहेगा यहाँ पर। अभी हम यहाँ पे जो पट्टी हमने कट की है उनको अटैच करेंगे। देखिए, जो ये पट्टी हैं इनको भी हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे भी मार्किंग करते हैं जिससे क्या है हमारी ये तैयार जो होगी डिजाइन तो ये हमारी करेक्ट लाइन पर ही तैयार हो सके। इसी तरह मैं यहाँ सभी में सेंटर लाइन कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी हम इनको इस तरह से लाइन से यहाँ पे ये चार पट्टियों को अटैच कर देते हैं। देखिए, इस तरह से एक स्ट्रेट स्टिचिंग डाल देते हैं। नेक पे हमने छोड़ दिया है थोड़ा सा पार्ट।
सेम इसी तरह ये पार्ट भी लेंगे सेकंड। तो देखिए ये मैंने डिजाइन सेंटर में भी स्टिच डाल दिया है, दोनों साइडों में भी इसको सेट कर दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन अटैच कर देंगे और एक लाइन हम यहाँ पे अटैच करेंगे और एक लाइन फिर हमारे पूरे नेक में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है, सेम यहाँ पर स्टिच कर दूंगी। यहाँ पर स्टिच होने के बाद ये एक लाइन में यहाँ पे नेक में भी इसी तरह से स्टिच कर दूंगी दूसरी साइड तक। तो देखिए मैंने ये पूरे राउंड में ये लेस लगा दिया है। और देखिए अभी जो हमारी ये डिजाइन है, इस धागे को हम सिलाई को निकाल देंगे और यहाँ पर फिर हम एक मोती लगा के इसको सेट करते हैं। तो देखिए ये सिलाई हमारी खुल चुकी है और हम अभी नीचे से इस यहाँ पे ये धागा निकालते हैं। मैंने निडल में 4 फोल्डिंग कर लिया है क्योंकि एक साथ ही अच्छे से फिनिशिंग आ सके। और अभी यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर भी इस कोने से। तो देखिए इस तरह की ये डिज़ाइन हो जाएगी और यहाँ पे हमें मोती लगा के फिर इसको सेट करते हैं। तो देखिए ये मोती लगा दिए, अभी हम इसके ब्लाउज के नीचे से इसको सिलाई को ले लेंगे, मोतियों को हटा देते हैं। तो मोती को इसके बीचों बीच रखेंगे और फिर से हम यहाँ से एक सिलाई निकालते हैं और जो ये मोती है यहाँ से इस तरह से। देखिए इस तरह की ये डिज़ाइन तैयार हो गई हमारी। और इसमें पीछे टाइट धागा करके फिर से हम इसी तरह से इन तीनों में भी इसी तरह मोती अटैच कर देंगे। देखिए पीछे का हमारा ये डिज़ाइन है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारे ब्लाउज का ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। और देखिए इसी ब्लाउज के मैंने ये लटकन भी बनाए। तो जैसे मैंने बताया, आप इस वीडियो को भी देखें जिससे कि आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।